नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी दिन रविवार को श्री राम जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ है। खास बात यह है कि इस बार त्रिवेणी, रवि पुष्प, सुकर्मा और शिवस्त योग में रामनवमी की पूजा होगी। ऐसा संयोग काफी सालों बाद बना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रामनवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको बता दें कि रामनवमी 10 अप्रैल को देर रात 1:24 से शुरू होगी, जो कि 11 अप्रैल को देर रात करीब 3:15 समाप्त होगी। रामनवमी पर सुकर्मा और धृति योग भी बन रहा है। सुकर्मा योग 11 अप्रैल को दोपहर 12:04 तक रहेगा। इसके बाद धृति योग शुरू होगा। नया कार्य शुरू करने या खरीदारी के लिए ये मुहूर्त भी बहुत शुभ होगा। और आइए जानते हैं रामनवमी पर कैसे करें पूजा। आपको बता दें कि रामनवमी के प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर उपवास करें। शुभ मुहूर्त में एक मंडप बनाकर पंचोपकार विधि से पूजन करें। जल, पंचामृत, जनेऊ, रोरी, चंदन, पुष्प, धूप, पान, सुपारी, फल, मिठाई के साथ घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और 108 बार ओम राम रामाय नमः का जाप करें। इसके बाद श्री राम स्त्रोत या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं अयोध्या की रामनवमी के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जिस तरह से दीपावली के मौके पर लाखों की संख्या में दीप जलाकर भव्य उत्सव मनाया गया था, उसी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी 10 अप्रैल को राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट और ओरछा में 11 लाख दीयों के प्रज्वलन के साथ रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही अयोध्या में भी इसका एक अनोखा ही दृश्य देखने को मिलेगा। वहां भी बहुत विधि विधान से और हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। और आइए जानते हैं रामनवमी में चित्रकूट का नजारा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि रामनवमी पर चित्रकूट का दृश्य भव्य और दिव्य लगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों के चित्रकूट की भव्यता में कोई अंतर न हो। जन भागीदारी से विकास के कार्यों को करने की मुख्यमंत्री चौहान की संकल्पना के अनुरूप सतना जिले की पवित्र धार्मिक नगरी चित्रकूट के गौरव के रूप में रामनवमी का चयन किया गया है। रामनवमी पर चित्रकूट का गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। और आइए जानते हैं ओरछा की रामनवमी के बारे में। जी हाँ, रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप प्रदेश में भगवान श्री राम को समर्पित प्राकट्य पर्व का शुभारंभ 4 अप्रैल को ओरछा में किया गया है। संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से 10 अप्रैल तक चलने वाली रामलीला में टीवी और सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित कलाकारों ने रामायण के पात्रों का अभिनय किया है। ओरछा में विशेष रूप से रामलीला प्रस्तुति में लाइट और साउंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें संवाद एवं अभिनय संयोजित किए गए हैं। रामलीला का आयोजन संस्कृति विभाग ने पहली बार किया है। और आइए जानते हैं ओरछा का धार्मिक महत्व क्या है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अयोध्या यानी ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान राम के निवास की बात कही जाती है। ओरछा देश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां भगवान राम की राजा राम के रूप में पूजा की जाती है। निवाड़ी जिले में स्थित बेतवा नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 साल पुराना है। ओरछा के संबंध में कहा जाता है कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को महारानी कुंवरी की जिद पर जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। उस समय यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। आज दुनिया भर के भक्त ओरछा में राजा राम के रूप में भगवान राम की पूजा करते हैं। इसी कारण इस मंदिर में राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में होती है। तो आपको इस रामनवमी पर यह विशेष जानकारी कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।